क्या आपको कोई ऐसे ऑफर्स बाहर से मिले हैं जिसमें वो लोग आपको बहुत ज्यादा अमाउंट पे कर रहे थे? आई गॉट अ ऑफर फ्रॉम अ कंपनी हु वाज पेइंग मी 1200 INR पर आवर। एक पॉइंट में ऐसा था कि मैं अकेला नहीं हैंडल कर सकता, लाइक मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे क्लाइंट है और मेरे पास 10 क्वेरीज आ गए थे यूके से। अच्छा। कि हमें कोचिंग की जरूरत है पर मेरे पास रिकॉर्ड अवेलेबिलिटी नहीं है। चार्जिंग द सेम अमाउंट टू पीपल लिविंग इन इंडिया एंड अमेरिका, यू आर एक्चुअली रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ योर एक्सपर्टीज, योर कंपनी। और रेवेन्यू इज समवेयर अराउंड। Hello and welcome to a new episode of Fix Your Finance. Today, I am with Puneet Basu. He's a 25-year-old chess instructor. We are in Guwahati, Assam. And this is the first episode of Fix Your Finance from Northeast. Welcome, Puneet. Welcome to the show. How's it going? It's going good. क्या आप अपने बारे में बता सकते हो कि आप क्या करते हो और आप कितने साल से ये चीज़ कर रहे हो? बेसिकली आई एम रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, एक्चुअली उसका नाम छाया चेस अकेडमी है। उसके अंडर में आई हैव एक्चुअली फ्यू कोचेस हु आर टीचिंग एंड आई हैव स्टार्टेड व्हेन आई वाज लाइक इन कॉलेज, लाइक मैं जब कॉलेज में था लाइक दैट टाइम आई वाज अराउंड 19 ईयर्स ओल्ड आई स्टार्टेड टीचिंग। मतलब मेरा इंटरेस्ट था, मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब इसी से कुछ कर रहा है, बट इंटरेस्ट बहुत था क्योंकि लाइक मैं आई एम प्रोफेशनल चेस प्लेयर, आई प्लेड स्टेट लेवल। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने बोला कि आपका एक चेस का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो आप मुझे सबसे पहले ये चीज़ बताइए कि आप पैसे कैसे कमाते हो? बेसिकली आई अर्न थ्रू चेस कोचिंग, दैट्स द ओनली सोर्स। लाइक वी हैव टूर्नामेंट्स, देयर आल्सो वी चार्ज, बट दैट्स नॉट द लाइक दिस वेरी टाइनी बिट ऑफ आवर रेवेन्यू, लाइक वी आल्सो कंडक्ट टूर्नामेंट्स। यू सेड दैट योर मेजर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम कोचिंग, ठीक है, तो क्या बच्चे आपके घर आते हैं पढ़ने आपसे सीखने कि कैसे होता है, और आपको और एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ की क्या ज़रूरत है? सबसे पहले जब हम शुरू किए थे तब बच्चे हमारे घर पर ही आते थे, फिर क्या हुआ कि कोविड का लॉकडाउन आ गया, फिर सब कुछ लॉकडाउन है, मैं कुछ कोई आ तो नहीं सकता है, तो हमने क्या किया मोबाइल से स्टार्ट किया था चेस क्लासेस कराना। उसमें हम पहला स्टूडेंट हमने एक दिल्ली का कराया, फिर ऐसे ऐसे क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे आने लगे। एक पॉइंट में ऐसा था कि मैं अकेला नहीं हैंडल कर सकता, लाइक मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे क्लाइंट है और मेरे पास 10 क्वेरीज आ गए थे यूके से। अच्छा। कि हमें कोचिंग की ज़रूरत है पर मेरे पास रिकॉर्ड अवेलेबिलिटी नहीं है, तो मैंने सोचा कि हमें कुछ करना पड़ेगा। तब हमने सोचा कि हम वाई नॉट हायर सम ट्रेनर्स एंड ट्रेन देम सो दैट दे कैन ट्रेन इन ए बेटर वे टू द किड्स। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि एक ग्रुप क्लास जब आप लेते हो तब आप महीने में एक स्टूडेंट से कितना चार्ज करते हो, और जब आप पर्सनल कोचिंग लेते हो तब उनसे आप महीने में कितना चार्ज करते हो? जो ग्रुप क्लास होते हैं उनका चार्जेस है 2000 rupees मंथली, और जो पर्सनल है वो डबल है, वो 4000 rupees है। 4000 rupees पर मंथ? यस। ठीक है, उसमें आप कितने सेशंस लेते हो? 8 sessions। ठीक है, सो करेंटली के अकेडमी में कितने बच्चे हैं and what is your revenue in the last 1 year? We have around more than 100 students currently. Our revenue is somewhere around 1.5 lakh per month. कोविड के पहले, ठीक है, कभी सोचा था आपने कि मतलब इंटरनेट में घर बैठे बैठे सिर्फ एक लैपटॉप के सामने यू वुड बी एबल टू ट्यूटर स्टूडेंट्स फ्रॉम US, UK? एक्चुअली आई थॉट ऑफ इट, बट मुझे पता नहीं था कैसे एक्जीक्यूट कर रही हूँ। बिफोर कोविड आई हैड अ प्लान टू किड्स, बिकॉज क्या है कि चेस में लाइक पीपल इवन 10 years बिफोर दे आर डूइंग दिस थिंग ऑनलाइन। अच्छा। कोविड से पहले भी लोग चेस ऑनलाइन सीखते थे, क्योंकि क्या है कि हायर लेवल में कोचेस ही अवेलेबल नहीं रहते, मतलब कोचेस बहुत ही कम है, तो मतलब उनके पास ऑप्शन नहीं है ऑनलाइन के अलावा। इवन इफ आई टॉक अबाउट गुवाहाटी इटसेल्फ, स्टूडेंट्स आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस बिकॉज देयर डिस्टेंस इज 10 kilometers, 15 kilometers, सो वहाँ पर क्या होता है डिस्टेंस का इशू हो जाता है। तो आपके टोटल बिजनेस एक्सपेंसेस ऑन एन एवरेज कितने हैं? सो इट्स नियरली 1 lakh rupees, दैट इंक्लूड्स सैलरीज, सॉफ्टवेयर, लाइक वी आर यूजिंग सम सॉफ्टवेयर एंड देयर इज लाइक एडवर्टाइजमेंट, वो नॉट एवरी टाइम बट सम वंस वी डू एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एंड जो बाकी का जो 40 to 50,000 rupees बचता है, दैट इज द नेट प्रॉफिट, राइट? आर यू ड्रॉइंग दैट, आर यू पर्सनली यूजिंग दैट, और आर यू री इन्वेस्टिंग इट इन द कंपनी? एक्चुअली आई एम यूजिंग इट ड्रॉइंग द सैलरी। ओके, सो इन द लास्ट 1 year ऑन एन एवरेज मंथली आप करीब 40 से 50,000 rupees कमा रहे हो, ठीक है, सो दैट इज योर पर्सनल इनकम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर पर्सनल एक्सपेंसेस। फर्स्टली दिस हाउस, डू यू ओन दिस हाउस, इज इट रेंटेड?
इट्स ओन. ठीक है, आर यू पेइंग फॉर दिस हाउस और फैमिली का है? नहीं, फैमिली का है. फैमिली का है, ठीक है. सो नो हाउसिंग एक्सपेंस, राइट? दैट्स अ वर्क ऑफ लिविंग विद योर फैमिली. उनका जो घर है आप उसी में रह सकते हो. नेक्स्ट इज फूड. हाउ मच डू यू स्पेंड ऑन फूड? फूड भी लाइक आई डोंट गो मच आउटसाइड, सो अराउंड ग्रोसरीज एंड फूड आई वुड से 6,000 रुपीज़ पर मंथ. ठीक है. On an average, next is travel, right? आपका ज़्यादातर काम तो घर से ही हो रहे हैं, right? But do you have a vehicle जिसको आप maintain वगैरह करते हैं? Basically, I take Uber, Ola. Occasionally travel करते हैं, तो monthly around 2,000 rupees. Next is utility bills, right? Then घर चला रहे हो. Firstly, are you taking all the financial responsibilities of your family? Yes. Okay. So what are some other costs, monthly fixed costs? For this house, like which we are staying, although there is no rent, but still we have done some maintenance, some like other expenses, electricity, water, which comes around 5,200 per month. 5,200 rupees per month. ठीक है. Next, any other expenses like which you think कि हाँ हर महीने जा ही रहा है? For example, let's say medical costs. You live with your parents, right? तो आपके कोई medical expenses होते हैं monthly basis पे? No, like we have a medical insurance, but we don't have expenses. Okay, do you have a medical insurance? Yes. For yourself? Yes. Your mother? Yes, both. Both. Perfect. ठीक है. So on a monthly basis, how much do you spend on an average? पिछले 6 महीने में आप कितना spend कर रहे हो? Around 25,000 roughly. ठीक है, which means that you are still left with a good 15-20,000 rupees every month. ठीक है. First things first, you are running a business. Yes. और business में आपको ये पता है कोई fixed salary नहीं होती. Yes. But the employee expenses are fixed. Yes. Right. Yes. So do you have a runway? Do you have savings? I have an emergency fund for 1 year. 1 year, okay. Which is how much? It's around 3,60,000 around. ये जो आपने personal emergency fund बनाया, वो आपको कितना time लगा बनाने में? Basically, इसको बनाने में time लगा नहीं, क्योंकि क्या है कि हमारे जुलाई के मंथ में बहुत ज़्यादा acquisitions हुए थे. उसमें मतलब वो कवर हो गया actually. अच्छा. कुछ panel करना नहीं पड़ा, मतलब automatically बंद हो गया, बंद किया. अच्छा, तो जून जुलाई में ऐसा क्या होता है आपके business में जिसके वजह से आप ad भी ज़्यादा चलाते हो, sales भी ज़्यादा होता है? That is the peak season, like वहाँ पर schools की छुट्टियाँ होती है, तो most of the parents they get your together children enrolled into other activities. अभी जो आपका emergency fund है, वो आपने कहाँ पे पैसा रखा हुआ है? Savings. ठीक है. एमरजेंसी, अब सेविंग्स अकाउंट एमरजेंसी फंड के लिए काफ़ी अच्छा है, बिकॉज उसमें आप जब चाहो निकाल सको. बट उसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कुछ भी नहीं है, 3-4% है, और आज के दिन इन्फ्लेशन ही 6% से बहुत ज़्यादा है, राइट? सो इफ़ यू कीप दैट मनी फॉर इन योर सेविंग्स अकाउंट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, देन यू आर एक्चुअली लूजिंग आउट मनी. आज के दिन फिक्स डिपॉजिट्स के जो इंटरेस्ट रेट्स है, दे आर एट अ हिस्टोरिकली हाई लेवल, राइट? बहुत ज़्यादा हाई हो गया है. एंड फिक्स डिपॉजिट्स आर ऑल्सो वेरी सेफ. जो आप जो इंटरेस्ट रेट आप बुक करोगे आपको उसी में मिलेगा. यू शुड कंसिडर पार्किंग दिस एमरजेंसी फंड इन अ फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि आप ये सोचिए कि आज के दिन फिक्स डिपॉजिट्स आर गिविंग रिटर्न्स ऑफ एज हाई एज 9%. इफ यू वांट टू चेक आउट फिक्स डिपॉजिट्स, स्टेबल मनी इज अ ग्रेट ऐप. स्टेबल मनी इज अ मार्केट प्लेस फॉर फिक्स डिपॉजिट्स. आपको 200 से भी ज्यादा बैंक्स के FDs एक ही जगह वहां मिल जाएंगे. जनरली आप जब फिक्स डिपॉजिट्स लेते हो आपको उस बैंक में एक अकाउंट भी खोलना पड़ेगा, बट स्टेबल मनी में आप 1,000 रुपए की भी FD बिना बैंक अकाउंट खोले उधर शुरू कर सकते हो. फॉर वुमेन, श्रीराम फाइनेंस इज ऑफरिंग एन एक्स्ट्रा 0.1% अगर आप उनके साथ FD बुक करते हो. तो अगर आप अपनी मम्मी के नाम पे FD बुक करोगे तो आपको 0.1% एक्स्ट्रा मिलेगा. आज के दिन फिक्स डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई इसीलिए क्योंकि रेपो रेट्स भी बहुत हाई है टू कॉम्बैट द इन्फ्लेशन. बट धीरे धीरे रेपो रेट्स भी गिर सकते हैं जिसके वजह से FD के इंटरेस्ट रेट्स भी गिर जाएंगे. तो अगर आपके कोई 2-3 साल की FD है, ठीक है, तो आप आज के आज बुक कर सकते हो और एक बड़ा हायर इंटरेस्ट रेट लॉक कर सकते हो. चेकआउट स्टेबल मनी. तो आपके केस में दो चीज़ें तो बहुत सॉर्टेड है. आपकी पूरी फैमिली के पास मेडिकल इंश्योरेंस है. Yes. ठीक है, उसका कवर कितना है? एक्चुअली जस्ट 5 लाख प्लस 95 लाख टॉप अप और समथिंग, टोटल कवरेज 1 करोड़. ठीक है. नेक्स्ट, आपके पास 1 साल का पर्सनल इमरजेंसी फंड भी है. Yes. ठीक है. अब तीसरी चीज़ आ गई, आपका बिजनेस, राइट? आपके बिजनेस में आपका रेवेन्यू अनस्टेबल है बट आपके एक्सपेंसेस आर नॉट वेरी स्टेबल, राइट? तो आपको एक बिजनेस के लिए भी एक रनवे चाहिए. इनका जो बिजनेस है वो ट्यूटरिंग का बिजनेस है. ठीक है. तो अगर स्टूडेंट्स आने बंद हो जाते हैं
तो एम्प्लॉयज का भी कोई काम नहीं है, राइट? यस, यही है, राइट? यस, तो इस केस में ये है कि एम्प्लॉयज तब तक ही रहेंगे जब तक स्टूडेंट्स आते रहेंगे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, राइट? ये जो आपके जो एम्प्लॉयज है, आर दीस फुल टाइम एम्प्लॉयज या फ्रीलांसर्स? मोस्टली देयर फ्रीलांसर्स, मोस्टली फ्रीलांसर्स, राइट? तो उस केस में मतलब अगर कभी इनकम आनी बंद हो जाए, सो ही डज नॉट हैव टू कंटिन्यू पेइंग देम एनी वेजेस और सैलरी, राइट? बट स्टिल मेरे को ये लगता है कि अगर आपको ये बिजनेस को बड़ा करना है, अगर आपको ये ग्रो करना है, देन यू ऑल्सो नीड एटलीस्ट 2 to 3 lakhs एज योर बिजनेस एमरजेंसी फंड. आपको वो ज़रूरत है ताकि आप ज़्यादा रिस्क ले पाओ. आप मुझे एक चीज़ बताइए, ठीक है, अभी पिछले 3 साल में क्या चेस का डिमांड बढ़ा है? क्योंकि मैंने देखा है कोविड के बाद बहुत सारे रीजंस के वजह से लोग ज़्यादा चेस में इंटरेस्ट लेने लगे हैं. एक्चुअली आफ्टर कोविड डिमांड मतलब बहुत ज़्यादा बूम किया है. देर आर लॉट ऑफ रीजंस. पहले मतलब लॉकडाउन में क्या था, लाइक एवरीवन वाज देयर एट देयर होम, अब सब घर में थे, करने के लिए कुछ नहीं था. देन चेस वॉज द थिंग, लाइक दे कैन डू इवन दे सिटिंग एट देयर होम. लाइक देर आर लॉट ऑफ स्ट्रीमर्स हु केम अप. उनके वजह से भी बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी गेन किया, लाइक लास्ट व्यूअर्स, लाइक स्पेशली इन द कोविड. तो क्या आपको कोई ऐसे ऑफर्स बाहर से मिले हैं जिसमें वो लोग आपको बहुत ज्यादा अमाउंट पे कर रहे थे? आई गॉट अ ऑफर फ्रॉम अ कंपनी हु वाज पेइंग मी 1200 INR पर आवर, लाइक व्हिच इज अ बिग अमाउंट. लाइक इफ समवन इज पेइंग 1200 इज अ वेरी वेरी बिग अमाउंट. सो लाइक वो एक ऑफर मिला था. तो वो 12 और आपको महीने में कितने घंटे का काम मिल जाता था? एक्चुअली यू कैन वर्क एज मेनी आवर्स यू वांट टू, बट दैट टाइम आई वाज लाइक सो बिजी. I had to, even they were offered 1200, I was working only 2 hours for that company per hour. ठीक है, मुझे एक चीज़ बताइए, उस कंपनी के लिए अगर आप 5 घंटे देने को रेडी होते तो क्या वो मानते? Yes. ठीक है, सो अगर आप 5 घंटे उस कंपनी के लिए देते तो यू मस्ट बी यू वुड हैव मेड अराउंड 6,000 rupees पर डे, विच इज अराउंड 1.8 lakhs. एंड दिस 1.8 lakhs इज नॉट योर रेवेन्यू, इट्स एक्चुअली योर सैलरी, क्योंकि और कोई एक्सपेंस नहीं है. तो आप मुझे ये चीज़ बताइए कि आपने अभी करेंटली आप 1.5 lakh rupees अर्न कर रहे हो, ठीक है, इन रेवेन्यू, जिसके बाद एक्सपेंस कटता है और फिर आपका प्रॉफिट बनता है. आपने वो वाला जो जॉब ऑफर मिला आपने उसको क्यों रिजेक्ट किया, ये चीज़ बताइए. बेसिकली लाइक देर आर सर्टेन कंडीशन, लाइक प्राइमरी थिंग व्हेन आई स्टार्टेड इट वाज नॉट मनी. मनी इज इम्पॉर्टेंट, 100% इम्पॉर्टेंट, बट अलॉन्ग विद दिस कुछ पर्सनल गोल्स रहते हैं. लाइक मेरे जो गोल्स है और कंपनी के जो गोल्स है, दे आर नॉट अलाइंड विद ईच अदर. बेसिकली they are offering courses like where like kids are learning for one month and after 1 month they are enrolling new kids. Okay, तो मतलब वो ठीक नहीं लग रहा था मुझे. ठीक है, आपके ethos, आपके ethics, your ethics were not in line with the company ethics. ठीक है, that company was offering you 1200 rupees per hour, right? Which means that there is actually a very big and very rich market of chess. Yes. ठीक है, so I want to know, you are an entrepreneur, you have 7 to 8 employees. Okay. Yes. What are you thinking to increase your company's revenue from 1.5 lakhs to 5 lakhs? Okay, one of them is like getting more leads, more students into our program, and we can open like different sections like video courses and all of this. These are some of the ways I believe like with which I can like increase the streams of income. आपने कहा आपके US UK में भी स्टूडेंट्स हैं, आपके इंडिया में भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आप ये इंडियन स्टूडेंट्स से कितना लेते हो और आप US UK वालों से कितना लेते हो, ये बताओ. ओके, ये डिपेंड करता है ग्रुप और वन ऑन वन सेशन का. ठीक है, ग्रुप सेशन का ऑलमोस्ट सेम इज $25 पर मंथ फॉर US. हाउएवर इफ गो फॉर इंडिविजुअल सेशन इज $50 पर आवर फॉर USA. ठीक है, आपने बोला ग्रुप सेशंस का इंडिया और यूएस यूके में सेम है. Yes. ऐसा क्यों रखा आपने? एक्चुअली लाइक समटाइम्स वी टेक द क्लासेस टुगेदर, लाइक इन द इवनिंग्स वी टेक द क्लासेस टुगेदर एंड वी थॉट ऑफ कीपिंग इट सेम, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द क्लासेस दे कम फ्रॉम रेफरेंस ऑफ इंडियन क्लाइंट्स ओनली. ओके. यस, लाइक आई वुड से 99% ऑफ देम आर फ्रॉम रेफरेंस. या या, इट मेक्स सेंस, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि जो करेंसी की जो वैल्यू है, दैट इज ओनली वेरी डिफरेंट. यस, लाइक 2000 रुपए इंडिया में और 2000 रुपए US में, दे आर नॉट द सेम.
दिस इज कॉल्ड परचेजिंग पावर पैरिटी, राइट। तो हम इंडिया में जो 2000 रुपए से खरीद सकते हैं वर्सेस वो लोग जो 2000 रुपए में खरीद सकते हैं यूएस में, दैट इज वेरी डिफरेंट। तो आप पता है अभी क्या कर रहे हो, बाय चार्जिंग द सेम अमाउंट टू पीपल लिविंग इन इंडिया एंड अमेरिका, यू आर एक्चुअली रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ योर एक्सपर्टीज, योर कंपनी फॉर पीपल लिविंग देयर। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यू शुड हैव डायनामिक प्राइसिंग, ठीक है। आप जहां सिखा रहे हो उसके हिसाब से प्राइसिंग आपकी चेंज होनी चाहिए। वंस यू चेंज द प्राइस, ठीक है, आपको पता चलेगा कि यूएस यूके से ही मेरा रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। सो यू सेड कि कोर्सेज, वीडियो कोर्सेज वगैरह का एक अच्छा स्कोप है। सो व्हाई नॉट हैव टारगेटेड एड्स फॉर पीपल फ्रॉम आउटसाइड, ओवरसीज पीपल, एंड मेक अ कोर्स फॉर देम। कि एक्चुअली वी आर रनिंग मोस्टली एड्स फॉर इंडियन क्लाइंट्स, एंड बाहर से जितने भी सारे मतलब क्लाइंट्स हैं सब रेफरेंस के, 99% हम रेफरेंस ओनली। आप एक चीज समझो, यू सेड दैट चेस हैज बीन एन ऑनलाइन बिजनेस सिंस अ लॉन्ग टाइम बिफोर कोविड, राइट। तो आप उसका बेनिफिट उठाओ ना। आप एक चीज समझो कि आप इंडियन क्लाइंट्स से को कुछ बेचोगे वर्सेस आप अगर किसी यूएस क्लाइंट्स को बेचोगे, ऑफ कोर्स दे विल बी रेडी टू स्पेंड मोर बिकॉज उनका परचेजिंग पावर बहुत डिफरेंट है, राइट। सो यू कैन, यू एज अ बिजनेस ओनर विल बेनिफिट मोर, विल ग्रो मोर, अगर आप इंडिया में बैठे बैठे अपने सर्विसेज, अपने स्किल सेट बाहर के लोगों को बेचो, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस सेम रहेंगे। आपको घर पे ही रहना है, आपका वही जियो का वाईफाई, आपका वही गुवाहाटी का सारा पेट्रोल का प्राइस है, बट आप जो कमाओगे वो आप अमेरिकन लेवल पे कमाओगे, यूके लेवल पे कमाओगे। सो दिस इज कॉल्ड करेंसी आर्बिट्राज, अर्निंग इन डॉलर स्पेंडिंग इन रुपीज। आपके केस में आप अपने धंधे को 1.5 लाख रुपए से 5 लाख सिर्फ इस करेंसी आर्बिट्राज का फायदा उठा के ले सकते हो। ब्लॉकचेन डेवलपर्स, क्रिप्टो के लोग, फिर बाद में आपके टेक पीपल, कितने लोग इंडिया में बैठे बैठे बाहर की कंपनीज में काम करते हैं और वो 4-5 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। ये तो हो गया करेंसी आर्बिट्राज। व्हाट आर सम अदर वेज यू कैन ग्रो योर बिजनेस, ये बताइए मुझे। ओके, दिस आर द फ्यू वेज आई नो, लाइक वन इज increase number of leads or increase prices. I know these are the two ways. ठीक है increasing number of leads, ठीक है, ये तो होगा कि this is still not very scalable, क्योंकि जैसे जैसे leads आएंगे आपको वैसे वैसे और लोगों को hire भी करना पड़ेगा, right? So that becomes a different challenge कि hire कहाँ से करे, ये कहाँ से करे। आपको ऐसी कोई चीज़ करनी चाहिए, बिकॉज इट्स एन ऑनलाइन बिजनेस, यू शुड थिंक ऑफ स्केलिंग इट अप। स्केल मतलब क्या है, आप एक चीज़ करोगे, हाउ कैन आई रीच आउट टू मोर पीपल बाय डूइंग जस्ट वन थिंग एट वन। जैसे ये एग्जांपल है, पहले एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर था मैं, ठीक है, पहले मैं यही चीज़ वन ऑन वन करता था। अभी मैं यही चीज़ वन ऑन वन कर रहा हूँ, बट बिकॉज कैमराज लगे हुए, लैक्स ऑफ पीपल गेट टू नो अबाउट me and what I am doing, right? आपको भी यही वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए कि कैसे मैं इंटरनेट के पावर से अपने एक घंटे के टाइम में ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। ओके, तो आपको ये सब चीज सोच के अपना इनकम रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। योर रेवेन्यू इज गुड, 1.5 लाख फ्रॉम आसाम इज वेरी डिसेंट, बट आप ये सोचो कि 3 साल पहले किसी ने आपको 1200 रुपये पर आवर का जॉब ऑफर दिया था, राइट, फॉर जस्ट योर टाइम, नॉन ऑफ योर एम्प्लॉयज, नथिंग, विच मीन्स दैट द मार्केट इज वेरी बिग, वेरी बिग। मुझे तो लगता है कि आप एक साल में इस 1.5 लाख के बिजनेस को 10 लाख रुपये का ईजिली कर सकते हो मंथली बेसिस पे, वेरी ईजिली, इफ यू प्रायोरिटाइज वेयर टू सेल, वेयर टू यू नो यूज माई रिसोर्सेज। एंड आई एम नॉट आस्किंग यू टू यू नो रिड्यूस योर टाइम गिवन टूवर्ड्स इंडियन स्टूडेंट्स। आप दिन में अभी कितना काम करते हो बताओ? 3 आवर्स रफली, 3 आवर्स, राइट, 3 घंटे। तो आप वो 3 घंटे को 6 घंटे करके आप आराम से कर सकते हो काम। आप तीन बाकी और हर दिन 2-3 घंटे में आप कोर्सेज डेवलप कीजिए कि यूएस यूके ओवरसीज के बच्चों के लिए आप कोर्सेज डेवलप कीजिए। आप आराम से, आप ये क्यों नहीं कर रहे हो? ओके, एक्चुअली आई एम फोकस्ड टुवर्ड्स लाइक मेंटरिंग एंड हेल्पिंग द किड्स, लाइक उनके रिजल्ट के ऊपर लाइक आई एम फोकस्ड। तो आप ये सोचिए ना कि आप कितने ज्यादा लोगों को हेल्प कर पाओगे अगर आप ऑन डिमांड कोर्सेज या ऑन डिमांड चीजें बेच के आप ज्यादा लोगों तक पहुंच पाओ। एंड देयर इज वन मोर रीजन ऑफ नॉट डूइंग, लाइक आई डोंट नो हाउ टू, लाइक आई नो हाउ टू मेक द कोर्स, लाइक हाउ डू आई पब्लिश, आई हैव बिल्ड अ वेबसाइट, बट कोर्स कैसे मतलब वो करते हो, लाइक विद दैट थिंग आई डोंट नो बेसिकली। ठीक है, दुनिया में
You will not be the first person in the world to do it. There might be a lot of people in your category or in some other category who have figured this thing out. Ki courses kaise banana, right? I'm sure a lot of chess players have already done it. Yes. Just check them out. देखो आप वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कैसे सारी चीज़ें फिगर आउट कर रहे हैं. ठीक है, इंडिया में ज़्यादातर आइडियाज, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द वेस्ट. वेस्ट में पहले वो चीज़ हो गई एंड फाइनली जब किसी को लगता है कि हाँ ये चीज़ बहुत सही चल रही है, आप इंडिया में वो अडॉप्ट कर सकते हैं, हम उधर से सीख के ला सकते हैं. तो आप भी सीखो ना, आप देखो कि कोर्स कैसे बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है. दिस इज अ वेरी स्मॉल प्रॉब्लम बट इट कैन ग्रो योर रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली. यस. तो ये तो हो गया आपकी बिजनेस की बातें. अब आपके पर्सनल फाइनेंसिस की बात करते हैं. व्हाट आर सम चैलेंजेस, व्हाट आर सम ऑफ द एरियाज वेयर यू आर फेसिंग अ चैलेंज राइट नाउ? लाइक वेयर टू इन्वेस्ट द मनी, लाइक इफ आई हैव सम मनी, लाइक वेयर टू पुट द मनी. आर यू इन्वेस्टिंग योर मनी राइट? यस. वेयर आर यू इन्वेस्टिंग? स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड. ओके. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई बॉट अ गारंटी प्लान. ओके. ऑन अ मंथली बेसिस how much are you investing in stocks and mutual funds? The stocks, I just started here last month to be okay, frank. Okay. So I bought 10 shares of two different companies. Okay. And apart from that mutual fund, I'm investing 5,000 rupees every month. Okay. What about this capital guarantee plan? How much are you investing? It's around 12,700 per month. How long has it been? 2 years. Can you explain this plan? Okay, basically here I have to invest around 12,000 rupees per month. For how many years? For 10 years. Okay. After 15th year, like I'll be getting money. Like it will be like 8% interest every month. 8% interest every month? Every year. Okay. 8% of how much you have, whatever you have invested till now. Yes, yes. आज के दिन अगर आप एक fixed deposit में भी पैसे डालते हो, ठीक है? Currently you are not in the tax bracket, right? तो अगर आप साल का 1,00,000 रुपए अगर आप FD करते हो, आपको उसमें 6.5 से 7% का इंटरेस्ट आपको ऐसे ही मिले. अब आप ये सोचिए, इस प्लान में आप 10-12 साल तक इन्वेस्ट करोगे और फिर 15 साल बाद आपको उस अमाउंट से 8% का एनुअल प्रीमियम आना शुरू होगा. दिस इज अ नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान. तो दिस इज नॉट लिंक्ड टू मार्केट्स. ठीक है, तो इसमें मार्केट बेस्ड रिटर्न्स भी नहीं मिलेंगे. इसमें आपका ग्रोथ का भी चांस ज्यादा नहीं, और जो मंथली इनकम मिल रहा है दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टू बी ऑनेस्ट, राइट? सो वॉट आई वुड सजेस्ट इज आप अगर हो सके तो आप इसे बंद कर दीजिए. yes. कंपनी में जाके कल ही हमने स्टॉक कर दिया था. एक्चुअली कल ही दिखा था आपको वीडियो, कल बंद कर दिया था हमने. यू आर बेटर ऑफ, अगर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, आप ये 12,000 रुपए हर महीने अगर रिकरिंग डिपॉजिट में भी डालते हो 10 साल बाद. yes. उसके बाद अगर आप उससे जो भी इंटरेस्ट है वो वापस लोगे, दैट अमाउंट विल डेफिनेटली बी बिगर देन व्हाट दिस फॉर्च्यून गारंटी प्लस स्कीम इज गिविंग. व्हाट आर सम अदर एरियाज वेयर आई कैन हेल्प यू? How to track the fund, like where the money is going? Like in personal level I can, but in the business it's like become too tough, like paying salaries to employees and then lot of expenses are there. It becomes very tough to track. Currently आपका जो पैसा है वो सब पुनीत बासु के नाम पे ही आ रहा है? Yeah, yes. Is it separate? किस छात्र पुनीत? माइन दी. ठीक है, अब I would suggest, जैसे मैं क्या करता हूँ, मेरे दो different बैंक अकाउंट्स है. एक बैंक अकाउंट है जिसमें सारा बिजनेस इनकम आता है और उससे बिजनेस एक्सपेंसेस भी जाते हैं. ठीक है, सो एक्सपेंस, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, फिर बाद में जितने भी सब्सक्रिप्शन है, जितना भी बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल है, लाइक ट्रैवलिंग से हियर, ये सारे एक्सपेंसेस उस अकाउंट से आते हैं. और उस अकाउंट से ही अंशुमन शर्मा जो मैं हूँ उसको भी पैसा भेजा जाता है मेरे एक पर्सनल अकाउंट में. उस पर्सनल अकाउंट से मैं अपने पर्सनल लेवल के सारे एक्सपेंसेस करता हूँ. सेम बात रही मेरे क्रेडिट कार्ड की भी. क्रेडिट कार्ड तो मेरे भी दो है. मेरा जो बिजनेस क्रेडिट कार्ड है उससे मैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस ज़्यादातर टाइम पे अवॉइड ही करता हूँ, सो दैट देर इज अ क्लियर बाइफर्केशन ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन माई बिजनेस एंड व्हाट्स हैपनिंग इन योर इन माई पर्सनल लाइफ. आई डू रिकमेंड क्रेडिट कार्ड्स, लाइक आई डोंट नीड क्रेडिट कार्ड्स लाइक फॉर, बिकॉज क्रेडिट कार्ड में क्या है बहुत सारे ऑफर्स आ जाते हैं, लाइक फॉर फ्लाइट्स एंड एवरीथिंग. सो डू यू रिकमेंड क्रेडिट कार्ड? सो मैंने भी क्रेडिट कार्ड तभी लिया था, मैंने 2-2.5 साल पहले लिया था. yes. जब मेरी इनकम बहुत स्टेबल हो गई थी. yes. जब मुझे पता है कि अब कभी ऐसा नहीं होगा दैट आई विल बी इन अ सिचुएशन वेयर आई हैव टू बोरो मनी टू फंड माय डे टू डे एक्सपेंसेस. ठीक है, विच मीन्स दैट आई ऑलवेज हैड सम एक्सेस. दैट्स व्हेन आई स्टार्ट टुक अ क्रेडिट कार्ड टू टेक द बेनिफिट. सो इफ यू आर इन अ पोजिशन वेर यू नो
यू विल नॉट स्पेंड मोर और वेर एन यू विल नॉट फंड योर डे टू डे एक्सपेंसेस यूजिंग क्रेडिट कार्ड देन यू कैन अफोर्ड इट यू कैन टेक वन. बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स में माइल्स मिलते हैं. बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स मेरा ऐसा है कि मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए ही नहीं, मतलब कोई एक्सपेंस करने के लिए नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ द बेनिफिट लाइक. हाँ दैट्स द थिंग ओनली. ठीक है, तो क्या क्या बेनिफिट आपको किस बेनिफिट के लिए चाहिए? बेसिकली फॉर ट्रैवल लाइक फ्लाइट ऑफर्स एंड ऑल दिस. ठीक है, फ्लाइट ऑफर्स के लिए चाहिए राइट. तो आप वो एक क्रेडिट कार्ड ले लीजिए. इफ़ यू नो कि आपको सिर्फ इसी चीज़ के लिए क्रेडिट कार्ड चाहिए देन यू आर बेटर ऑफ टेकिंग इट, नो प्रॉब्लम. ठीक है, सो इफ़ यू सेपरेट योर बैंक पर्सनल बैंक अकाउंट एंड योर बिजनेस बैंक अकाउंट यू विल गेट अ क्लियरर आइडिया अबाउट वेयर योर मनी इज गोइंग. क्या ये पर्सनल पैसा गया पर्सनल लेवल पे खर्चा हुआ कि बिजनेस लेवल पे खर्चा हुआ. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नाउ यू आर अ बिग टीम सो यू हैव टू थिंक ऑफ योर सेल्फ एज एन एंटरप्राइज. पुनीत बासु इज नॉट जस्ट पुनीत बासु, ही इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ छाया चेस अकेडमी राइट. सो वैसे आपको सोचना पड़ेगा. थैंक यू सो मच फॉर doing this. I hope आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो. अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो अभी के अभी लाइक बटन दबाओ और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. 85% ऑफ द पीपल हु वॉच दीज वीडियोज वो वीडियो देख के निकल जाते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते. गाइज सब्सक्राइब कर लो, योर लव एंड सपोर्ट विल कीप अस मोटिवेटेड एंड स्पेशल थैंक्स टू स्टेबल मनी फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो. गुड बाय.